कहते हैं प्यार अंधा होता है, परंतु समाज के ठेकेदार उन प्यार करने वालों की कदर नहीं करते हैं और उनको जान से मारने की धमकी दे डालते हैं। परंतु सरकार प्रशासन को उनके प्यार की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि प्यार ही इस समाज को बनाए रखे है, आपस में जोड़े रखे है। प्रशासन को तो उन्हें संरक्षण देना चाहिए। कानूनी तौर पर इसके द्वारा यह बताया गया है कि यह बालिग है। देखते रहिए LTT न्यूज, खबरों का संसार। कहाँ से आई हैं आप? घोर समस्त। आपका बाप का नाम क्या है? हजरत साहब। हजरत साहब, तो आप इनके साथ में जानते हैं कौन है ये? इमरान। इनसे आपकी शादी हो गई है? वैसे ही आपके इनके साथ आई हैं आप? शादी हो गई। कितने दिन पहले आपकी शादी हुई है इनसे? दो महीने पहले शादी हो गई। और तो आप घर से क्यों भाग के आई? घर वाले मारते थे, उनसे भेजते ना थे, इनके संग मना करते थे जाने का। अब आपके घर वाले इनके घर वालों के खिलाफ जो मुकदमाबाजी कर रहे हैं, तो वो उसके लिए आप क्या कहेंगी? ससुराल में परेशान ज्यादा, मैं इनके संग में रहना चाहती हूँ। आप 18 साल की हैं? 18 साल की। 18 साल की बालिग हैं, इसका मतलब बालिग तो हैं आप। हाँ। अच्छा, बालिग हैं आप, 18 साल की हैं, तो आप आधार वगैरह है आपको? कुछ है? और आधार दिखाइए, आधार वगैरह कुछ। और आपका निकाह हो गया नहीं हुआ? निकाह हो गया। अच्छा, निकाह हो गया, तो आधार दिखाइए। आधार में कितनी उम्र है? 18 साल मतलब कंप्लीट आपके 18 साल कुछ महीने की है। चलिए वापस दिखाइए, ठीक है। अपना आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान जी, आप उनके साथ में आए हैं जी? तो आप उनको लाए हैं, इनके जीवन भर साथ में रखेंगे या परेशान करके घर पहुंचा देंगे? उसी रखेंगे इनको अपने साथ में, उसी रखेंगे। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम ये मांग कर रहे हैं, हम लोगों को परेशान ना करें, हमारे घर वालों को जो दफा वो वापस लेने की, वापस ले। और SP साहब से क्या न्याय लगाएंगे? लगाएंगे, हमारी सुरक्षा करें, सुरक्षा दें आप जी, मतलब आपको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराइए। तो आपकी जो शादी है कितने दिन पहले हुई? 2 महीने पहले हुई। अच्छा, 2 महीने पहले आप शादी कर चुके हैं जी। तो आपके जो ससुर हैं वो आपके घर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बीवी लड़की को पिस्तौल की बल पे ये अपहरण करके हमारे बेटे को ले गया। हाँ, बोलो। तो आप उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाह रहे हैं सर, हम अपने आप आई हैं, हम लेके आई हैं। नहीं नहीं, अपने आप नहीं आई, आप लाए। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं हो चुकी है? हमारी शादी हो चुकी है। दोनों की शादी हो चुकी है? दोनों की शादी हो चुकी है। आपके दोनों की शादी हो चुकी है जी। तो आपके साथ में जो आई है अपनी मर्जी से आई है, मतलब जबरदस्ती तो आप नहीं लाए ना? नहीं नहीं, ये अपनी मर्जी से आई। आप क्या कहना चाहेंगी बुरी समझ में? मैं इनके संग रहना चाहती हूँ। प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? जो अपनी बात है, मतलब आप अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं ना? नहीं पढ़े लिखे। आप प्रशासन से ये मांग करना चाहती हैं कि मतलब जो भी इनके ससुराल वालों को परेशान किया जा रहा थाने की तरफ से, उसे वापस लिया जाए और इनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। SP साहब से यही आरोप मतलब न्याय चाहती हैं ना आप जी? SP साहब से यही न्याय चाहती हैं ना आप?